एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन एक गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोच कर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसला कर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुँच कर बोला, मित्र मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से फूला नहीं समाया और उसे अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से कुक डुकू करने लगा। गीदड़ इसी फिराक में था। उसके देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था उस समय गांव वालों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे और तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा था। तब तक उसने उसके चंगुल से बचकर निकलने का एक उपाय सोच लिया था। वह भागते हुए गीदड़ से बोला, देखो गीदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गीदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलट कर बोलने के लिए अपना मुंह खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्गा उड़ गया और गांव वालों के पास चला गया। इस तरह अपनी चतुराई से उसने अपनी जान बचाई। सीख: संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।